ट्रेड न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। आज एक बार फिर से गेस्ट टीचर्स रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। आज घोषणा पत्र भाजपा ने जो भी घोषणाएं अतिथि अध्यापकों के लिए यानी गेस्ट टीचर्स के लिए की थी, उनको पक्का करने के लिए उन घोषणा पत्र की प्रतियों को ये अतिथि अध्यापक गेस्ट टीचर्स आग लगाने वाले हैं। देख सकते हैं एक बार फिर से अनाज मंडी में सैकड़ों की संख्या में अतिथि अध्यापक गेस्ट टीचर्स इकट्ठे हो गए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, पक्का करने की मांग को कर रहे हैं और यहां से निकलेंगे। और भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र जिसमें एक कलम से गेस्ट टीचर को पक्का करने की बात की गई थी, उस घोषणा पत्र को जो है आग लगाएंगे और लगातार कह रहे हैं कि घोषणा पत्र में जो वादा किया गया था उसको पूरा करने की मांग जो है अभी भी कर रहे हैं। देख सकते हैं लगातार नारेबाजी, रोष प्रदर्शन, और भाजपा का जो घोषणा पत्र था उसकी प्रतियां भी मंगवा दी गई हैं। लगातार डिमांड पक्का करने के लिए घोषणा पत्र की प्रतियां आ चुकी हैं। देख सकते हैं घोषणा पत्र की प्रतियां बांटी जा रही हैं, कॉपियां निकाली गई हैं घोषणा पत्र की, जिसे प्रदेशाध्यक्ष के उस वक्त के सिग्नेचर हैं। मजबूत इरादे पूरे किए वादे, मनोहर लाल ने 14,000 गेस्ट टीचर को दिलाया सम्मान, समान काम समान वेतन की बरसों पुरानी मांग हुई पूरी। ये देखिए इनका घोषणा पत्र, पक्का करने के लिए समय एक सार्थक कदम, यानी समान काम समान वेतन की बात लिखी गई है लेकिन वो नहीं मिला, सिर्फ एक लिखित रूप से बात है और वादा खिलाफी मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और देख सकते हैं नारेबाजी करते हुए और भाजपा के घोषणा पत्र को हाथ में लेकर गेस्ट टीचर्स आगे बढ़ रहे हैं। आज भाजपा के घोषणा पत्र की प्रतियां जलाने की बात कही जा रही है। चलिए गिल साहब से एक बार बात करते हैं। गिल साहब, आज क्या प्रोग्राम है, क्या कुछ कागज हाथ में उठाए हुए हैं? जो गेस्ट टीचर के प्रदर्शन का सातवां दिन है, जी गेस्ट टीचर अपनी नियमित करने की मांग को लेकर लगातार जगाधरी बढ़े हुए हैं जी। तो जो हरियाणा सरकार ने भाजपा सरकार आने से पहले जो वायदा किया था जी उस वायदे की प्रतियां आज सरकार को जगाने के लिए जलाई जाएगी जी। किस प्रकार सरकार बात नहीं मान रही उस घोषणा पत्र को आज जी तो जानना चाहेंगे घोषणा पत्र में क्या कुछ वायदा आप लोगों के साथ इस सरकार ने किया था। पत्र में सरकार ने वायदा किया था कि गेस्ट टीचर को अपना नियम अनुसार नियमित किया जाएगा जी लेकिन 9 साल बीतने के बाद अभी तक नियमित नहीं किया गया, तो वो लिखित रूप में आपके पास है तो उसी की प्रत्यय जलाएंगे। तो ये थे गिल साहब जिन्होंने बताया कि घोषणा पत्र में उन्होंने गेस्ट टीचर्स को पक्का करने का वादा किया था और समान काम समान वेतन की बात भी कही थी, लेकिन ये देख सकते हैं आप ये प्रतियां हाथ में लेकर गेस्ट टीचर्स आगे बढ़ रहे हैं। और इसी कड़ी में हमारे वरिष्ठ साथी मदन जी से बात करेंगे। मदन जी, क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे आज इस प्रदर्शन के बारे में? ये प्रदर्शन एक सरकार की साजिश के खिलाफ जी किया जा रहा है। हम सरकार के सहयोगी बने थे, हमारे इस साथियों के अंदर 20-30% RSS संघ परिवार से जुड़े हुए साथी हैं, सरकार के चेहते भी हैं, सरकार को बनाने में अहम योगदान देने वाले भी हैं जी। लेकिन पता नहीं क्यों खट्टर साहब की बुद्धि खराब हो रही है, ये अपने साथियों को ही अपने से दूर करना जा रहे हैं, सोच रहे हैं, बार बार इस बात को अनुरोध कर रहे हैं कि आप हमें अपने साथ तो लगा के देखो, और पहले भी हमने 10 साल इनको खुशी दी है, आने वाला समय ऐसा ये करते रहेंगे तो हम इनका खिलाफत भी कर रहे हैं और करते रहेंगे, जो कुर्सी नसीब नहीं होने देंगे। तो आज जो इन्हें घोषणा पत्र इन्होंने किया था, रामविलास जी ने लिखित में दिया था, उस समय प्रदेश अध्यक्ष होते थे जी। लिखित का भी ये झूठ बना रहे हैं और हर रोज खट्टर साहब मीडिया पे आते हैं, कहते जी हमने ये कर दिया वो कर दिया, आज तक कोई भी सुख सुविधा को नहीं मिली। एक्ट 58 साल मिले हैं लेकिन वो भी टेम्परेरी बेस है और उसको भी कह रहे हैं कोर्ट में चैलेंज हो गया है जी। दे रहे हैं, ऐसा ना होना चाहिए। हम खट्टर साहब को दोबारा फिर कहते हैं, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं उनकी सद्बुद्धि दे कि अपने साथियों को अपने सहयोगियों को साथ में रखे जी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए धन्यवाद। देख सकते हैं पुलिस जो है आगे चल रही है, आप देख सकते हैं रूटीन में पुलिस भी यहाँ पर डटी हुई है, काफी संख्या में लेडीज पुलिस जेंट्स पुलिस यहाँ पर है। देख सकते हैं दोनों तरफ से घेराबंदी है, बस पुलिस प्रशासन को बस यही है कि भाई शिक्षा मंत्री की आवाज़ की तरफ अतिथि अध्यापक कुछ ना करें, बाकी कहीं पर भी ये जाएं ऐसी स्वतंत्र देर। देख सकते हैं पुलिस की गाड़ी भी साथ साथ चल रही है और उधर गेस्ट टीचर भी लगातार साथ चल रहे हैं। और गेस्ट टीचर्स बीजेपी के घोषणा पत्र को उठाकर आगे बढ़ रहे हैं और पूरे रोष
भाजपा सरकार के खिलाफ है। पूरे नारेबाजी देख सकते हैं, काफ़ी संख्या में गेस्ट टीचर्स लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, पूरे नारेबाजी सरकार के खिलाफ और पूरा रोष है। आज घोषणा पत्र को जलाने के लिए जा रहे हैं। कड़ाके की ठंड में गेस्ट टीचर्स यहाँ पर पड़े हुए हैं, महापड़ाव डाले हुए हैं, देख सकते हैं। पूरे उत्साह के साथ साथी जो है आगे बढ़ रहे हैं। आज मंडी के गेट पर ही जो है घेराबंदी पुलिस के द्वारा कर ली गई है, क्योंकि तय कार्यक्रम यही था, यहीं पर जो है घेराबंदी की गई है, आप देख सकते हैं। और थोड़ा आगे चाहते हैं कि आगे बढ़कर यहाँ पर जलाना चाह रहे हैं, और नारेबाजी के साथ यहीं पर घोषणा पत्र की प्रतियां जलाई गई। शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, 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 हट्टर पट्टर मुर्दाबाद, 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 अनपढ़ मंत्री मुर्दाबाद, 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 तो जी आज क्या कार्यक्रम है, आज क्या प्रतियां उठाई हुई आपने? सारे जो आगे बढ़ते जाएंगे, सर जो भाजपा सरकार है जब चुनाव में आई थी तो उन्होंने चुनावी घोषणा पत्र में ये लिखा था कि जैसे ही हम सत्ता में आएंगे हम 15,000 गेस्ट अतिथि अध्यापकों को पहली कलम से पक्का करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, देख लीजिए, मनोहर लाल जी ने 14,000 गेस्ट टीचरों को दिलाया सम्मान, समान काम समान वेतन, उनकी सफेद झूठ देख लिए। और तो इन्होंने जो नई शिक्षा नीति बनाई है उसमें भी देख लिए, इन्होंने लिखा कि अतिथि अध्यापकों को पक्का कीजिए, लाइन देखिए आप उसमें लिखा है। उसके बाद इन्होंने जो एक्ट बनाया हमारा, एक एक्ट की प्रति भी हमारे साथियों के पास, जिसमें लिखा है कि अतिथि अध्यापकों को समान काम समान वेतन दिया जाए। आज का जो समाचार पत्र है दैनिक भास्कर, उसमें भी हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को लताड़ लगाते हुए कहा गया कि कोई पॉलिसी ना बनाई जाए, कोई कैडर ना किया जाए, अनुबंधित कर्मचारियों का इनकी सेवाओं को नियमित किया जाए। लेकिन ये भाजपा सरकार झूठी सरकार है, इनकी जो नीतियां हैं वो आरएसएस की नीतियां हैं। तो उसी रोज प्रदर्शन करते हुए इनके जो झूठे वादे हैं, इनका जो घोषणा पत्र है चुनावी, और इन्होंने जो समाचार पत्र में मीडिया के माध्यम से जनता के सामने जो इन्होंने झूठे वादे किए हैं, उनकी प्रतियां आज प्रदेश के कोने कोने से अतिथि अध्यापक पहुंचे हैं, और इनके जो घोषणा नीतियां और इनके जो वादे किए गए हैं समाचार पत्रों के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री ने खुद ट्वीट किया था कि इनके 30 अक्टूबर 2021 तक इनको रेगुलर कर दिया जाएगा, और इनकी जो मांगे हैं वो जायज हैं, और एक कमेटी बनाई गई थी तो उनको हम जला रहे हैं, क्योंकि एक प्रदेश के राजा होता है उसकी कीमत होती है, उनकी शब्दों का मोल होता है। तो उन्हीं चीज़ों को लेके आज हमारा 7वां दिन है अनाज मंडी जगाधरी में। तो प्रदेश के हर कोने से अतिथि अध्यापक पहुँचे हैं, और वो रोज़ प्रदर्शन करते हुए उनके झूठे वादों की प्रतियों को जलाएंगे जिला जो DC ऑफिस है उसके बिल्कुल सामने जगाधरी। तो रोष प्रदर्शन करते हुए गेस्ट टीचर्स ने पहले तो काली पट्टियां लगाई, काली पट्टियों की भी जो है होली जलाई थी, उसके बाद उनके द्वारा थाली बजाई गई, झाड़ू लगाया गया, प्रदेश सरकार का पुतला फूंका गया, और उसके बाद अपनी डिग्रियां जलाई गई। और आज गेस्ट टीचर्स के द्वारा जो है भाजपा का घोषणा पत्र, जिसमें अतिथि अध्यापकों को पक्का करने की बात, समान काम समान वेतन देने की बात, उसको जो है जलाया जा रहा है, आप देख सकते हैं। देख सकते हैं घोषणा पत्र की प्रतियां जलाने के पश्चात अतिथि अध्यापकों में वही जोश, वही उत्साह है, बढ़ रहे हैं अब महापड़ाव की तरफ, अनाज मंडी की तरफ, और एक नए कार्यक्रम के साथ। 10 जनवरी की एक महारैली रखी हुई है, अधिकार रैली यहीं पर नई अनाज मंडी में होगी जगाधरी में, जिसमें प्रदेश भर से हजारों की संख्या में गेस्ट टीचर यहाँ पर इकट्ठे होंगे, ऐसा जो है योजना बनाई जा रही है कि हजारों की संख्या में गेस्ट टीचर्स आए, और लगातार अपील की जा रही है 10 तारीख को अनाज मंडी में अधिकार रैली, प्रदेश स्तर की रैली, और लगातार जोश गेस्ट टीचर का जोश देख सकते हैं आप। कड़ाके की ठंड में के बावजूद भी गेस्ट टीचर लगे हुए हैं।
चुनावी वादा याद करो, अपने चुनावी वादे को याद कराने के लिए लगातार नारेबाजी, गैस टीचर्स को पक्का करो, ऐसे घोष ऐसे नारे गैस टीचर्स की तरफ से लगाए जा रहे हैं। आधी रोटी पूरा काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ऐसे घोष करते हुए गैस टीचर्स वापस महापड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं। अब तैयारी 10 जनवरी की महारैली की तैयारी, अधिकार रैली की तैयारी देख सकते हैं। पूरे जोश के साथ गैस टीचर्स लगातार नारेबाजी करते हुए, और साथ ही पुलिस भी अब पीछे पीछे, पहले पुलिस आगे थी, अब पुलिस पीछे पीछे है। पुलिस ने भी जो है सुख की सांस ली कि जब गैस टीचर्स आगे नहीं बढ़े और पीछे वापस लौट गए हैं, और पुलिस ने भी कहीं ना कहीं सुख की सांस लिया है कि उनका, क्योंकि लगातार कई दिनों से वो साथ साथ कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है तो दिक्कत तो उनको भी रहती है। तो ये थी नई अनाज मंडी से गैस टीचर्स की एक आज के रोज प्रदर्शन के साथ स्टेट न्यूज़ 71 की प्रस्तुति। धन्यवाद।